नेक्स्ट फंक्शन छे रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग ज्यारे तमने टेन्स आवडता होय अने टेन्स पछी जो तमने एक्टिव पेसिव आवडतू होय तो तमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट आसानी थी आवडे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जे तमे आगळना स्टैंडर्ड में भणी गया ते अहीं रिपोर्टिंग तरीके दर्शावाय छे। रिपोर्टिंग तमे एटले के बोलवू, बोलनार, बराबर। बोलनार अने सांभळनारनी वातचीत थी तमे जे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनावता था, डायरेक्ट माथी इनडायरेक्ट में फेरवता था अने इनडायरेक्ट माथी डायरेक्ट में फेरवता था, तो एज वस्तु रिपोर्टिंग फंक्शन तरीके आवे छे, बराबर। तो तमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट आवडतू हशे तो आसानी थी रिपोर्टिंग फंक्शन आवडी जशे। जो यूज ज्यारे कोई बनाव घटना वात के समाचार ने बीजी व्यक्ति नी सामे रजू करवी होय त्यारे आ फंक्शन नो उपयोग थाय छे। डायरेक्ट स्पीच ना वाक्यों ने इनडायरेक्ट स्पीच में रूपांतर करती वखते जे प्रकारनी वाक्य रचना नो उपयोग करीए छीए तेज वाक्य रचना ना आ लैंग्वेज फंक्शन में आवे छे। जो लैंग्वेज आइटम्स तमे जोई लो ने तो ए परथी तमने फंक्शन्स ए तमारे एमसीक्यू बेस्ड ज आवशे, बराबर। अने अमुक सेंटेंस के जे तमारे फंक्शन ने ओळखवाना होय छे ते सेंटेंस परथी तमे लैंग्वेज आइटम्स परथी आसानी थी फंक्शन ओळखी शको छो। आमा छे टोल्ड दैट, आस्क्ड ई, रिक्वेस्टेड टू, एक्सक्लेम्ड टू, विस्ड दैट, प्रपोज टू, सजेस्टेड टू, एक्सेट्रा। ओके, तमने क्यारे पण कोई पण सेंटेंस में आमाथी कोई पण एक वर्ड देखाय तो तमारे समझी जवू के रिपोर्टिंग वर्ब नू रिपोर्टिंग फंक्शन आपेलो छे। फॉर्म बोलनार प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस सांभळनार प्लस संयोजक प्लस रिपोर्टेड स्पीच। तो ए प्रमाणे आपणे सेंटेंस जोई लईए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द चाइल्ड इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ए विद्यार्थीओने कहे छे के बाळक ए पहेलू वैज्ञानिक छे। शैलेश आसकड़, अहीं आसकड़थी यूज थयो छे, आसकड़थी सेंटेन्स बन्यू छे, આગળનું આપણે ટોલ્ડ દેટથી બનાવ્યું। શિલ્પા ઇફ હી હેડ વોચ્ડ મનિકર્ણિકા, ઓકે, આ એ ક્વેશ્ચન પ્રશ્નાચિહ્ન એટલે કે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સમાંથી બનાવવામાં આવેલું છે। મિસ્ટર દવે રિક્વેસ્ટેડ મિસિસ બક્ષી ટુ પાર્ક હર કાર ઇન ધ પાર્કિંગ પ્લોટ, રિક્વેસ્ટેડ આજ્ઞાર્થ છે, ઓકે। તો રિક્વેસ્ટેડથી સેન્ટેન્સ કેવી રીતે બનાવ્યું છે, તો મિસ્ટર દવે રિક્વેસ્ટ એટલે કે વિનંતી કરે છે કોને, તો મિસિસ બક્ષીને કે તેઓની કાર પાર્કિંગ પ્લોટમાં મૂકું એમ। મોહન એક્સક્લેમ ટુ હિઝ ફાધર દેટ ઓધર વોઝ વેરી ક્રિએટિવ, આ એક્સક્લેમ્ડ એ ટુ એ ક્યારે યુઝ થાય, આશ્ચર્યકારક સેન્ટેન્સ, બરાબર। તો તમે જુઓ કે લેંગ્વેજ આઇટમ્સમાં જેટલા પણ વર્ડ છે આ બધા, તો એ બધામાં સેન્ટેન્સ અલગ અલગ રીતે જ બનશે, ઓકે, અલગ અલગ વાક્ય રચના પ્રમાણે જ બનાવવામાં આવશે, એટલું ધ્યાન રાખવું। વોઇસ સજેસ્ટેડ, સજેસ્ટ એટલે કે સૂચના આપવી ટુ ધર ફ્રેન્ડ્સ દેટ દે શુડ મેક મોડર્ન એરપ્લેન્સ, ઓકે। તો આ રીતે રિપોર્ટિંગ વર્બ, તમે ખાલી લેંગ્વેજ આઇટમ્સ યાદ રાખશો તો તમને આસાનીથી ફંક્શનનો ખ્યાલ આવી જશે, ઓકે। હવે નેક્સ્ટ ફંક્શન છે કનેક્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન। કનેક્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશનમાં યુઝ જોઈ લો, વ્યવહારુ જીવનમાં આપણે જે વાક્યોનો પ્રયોગ કરીએ છીએ તેમાં અલગ અલગ શબ્દો, શબ્દસમૂહ કે વાક્યોને જોડવા માટે સંયોજકોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। લેંગ્વેજ આઇટમ્સમાં જુઓ, ઓલ ધ કનેક્ટર્સ એન્ડ કન્જક્શન્સ, ભાઈ કોઓર્ડિનેટિંગ કન્જક્શન્સ જોઈ લઈએ, એન્ડ, એઝ, વેલ એઝ, ઓર, અધરવાઇઝ, સ્ટીલ, બટ, યેટ, સો,
एंड देयरफॉर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो लो इफ अनलेस दो व्हाइल व्हेन वू वूज वूम व्हिच दैट हाउ वेर एक्सेट्रा ओके तो तमने आ जे वर्ड छे आसानी थी तमारे याद राखवाना अने वधारे ख्याल राखवानुं के जेम के ओर छे एका कंजक्शन में आवे तो कोऑर्डिनेटिंग ओके मिस्टेक न थाय एंड यू हैव टू राइट ऑल दीज फंक्शन्स इन योर नोटबुक ओके कोरिलेटिव कंजक्शन्स बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो आइधर ओर नाइधर नॉर एंड सो दैट तो आपणे एक्जाम्पल्स जोई लईए बर्ड्स लीव देर नेस्ट वेन द सन राइजिस पक्षीओ लीव एटले के छोड़वू तेमनो नेस्ट माळो छोड़े छे वेन द सनराइज ज्यारे सूर्य उगे छे त्यारे पक्षीओ तेमनो माळो छोड़े छे ओके अहीं वेन आवे तो आपणे जोई लईए वेन सेमा छे वेन सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन में छे ओके एम ध्यान राखो डू यू नो द मैन व्होम यू गेव 50,000 रुपीस डू यू नो द मैन व्होम यू गेव 50,000 रुपीस व्होम ओके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो तमे ते व्यक्ति ने जाणो छो के तमे जेमने 50,000 रुपया आप्या हता स्टडी इंग्लिश सीरियसली अदरवाइज यू विल रिग्रेट इन फ्यूचर इंग्लिश तमे सारी रीते एटले के गंभीरतापूर्वक भणो नहींतर अदरवाइज कोऑर्डिनेटिंग नहींतर तमने तमारा फ्यूचर में पछतावो थशे आई विल गो टू जम्मू एंड काश्मीर नाइधर बाय ट्रेन नॉर बाय बस हूँ जम्मू अने काश्मीर जाइस बट नाइधर एटले आ नकार में छे बराबर नाइधर नॉर ए नकार में सेंटेन्स बने अने आइधर ओर हकार वाक्य में सेंटेन्स बने हूँ ट्रेन थी पण नहीं अने बस थी पण नहीं जाऊँ હું જમ્મુ કાશ્મીર જઈશ પણ ટ્રેન અને બસનો યુઝ નહીં કરું એમ એટલે નકાર સેન્ટેન્સ કોહલી હેઝ ઓલવેઝ પ્લેડ વેલ બોથ એઝ અ બેટ્સમેન એન્ડ એઝ અ બોલર કોહલી હંમેશા સારી રીતે રમે છે તો શું તો બોલિંગ બી સારી કરે છે અને બેટિંગ બી સારી કરે છે ઓકે તો તમારે કોઓર્ડિનેટિંગ કનેક્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશનમાં આ રીતે બે વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની કે કોઓર્ડિનેટિંગ કન્જક્શન અને સબઓર્ડિનેટિંગ કન્જક્શન્સ